नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देवरिया जनपद के अकोला थाना क्षेत्र के गांव कोडरी के युवाओं ने हाथरस की मनीषा बलात्कार व हत्याकांड के विरोध में सरकार विरोधी नारेबाजी कर धरना दिया तथा कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर मनीषा के हत्यारों को फांसी की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर यूपी की सत्ता में आई योगी सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। दलितों के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है। इस सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस मनमानी पर उतर आई है। इस सरकार में दलित व गरीब लोग फरियाद लेकर थाने पर जाते हैं तो डांट कर भगा दिया जाता है। आप लोगों ने कैंडल मार्च जो है किस लिए निकाला? मनीषा के हत्या के लिए, जो बलात्कारियों जो किए हैं उन लोगों की सजा के लिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? उन लोगों को, जितने लोग बलात्कार किए हैं उन लोगों की जल्द से जल्द उनको खोज के सजा किया जाए, हत्या किया जाए उन लोगों को। गिरफ्तार है, इस संबंध में फांसी दिया जाए, उनको को फांसी दे दिया जाए। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे यही है कि जितने मिल गए तो उन लोगों की फांसी दे दी जाए, जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। क्योंकि हर साल यही काम होता है उनका,